चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कर चुके हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी। ये सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स हमारी पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। अगर ये मेरी सारी कंसेंट्रेशन पूरी हो चुकी हैं टर्म्स, तो एक दो कंसेंट्रेशन टर्म्स और हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, जैसे कि PPM है, फॉर्मेलिटी है, चलो उसका भी डिस्कशन करते हैं। पहले एक टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं अपना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास आता है सिग्मा एक्स आई इंटू, या फिर एक काम कीजिए, इसको बाद में बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। टोटल मास, खिलाड़ियों जल्दी आओ, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है भाई। टॉपिक स्टार्ट किया है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, कंसेंट्रेशन टर्म्स पूरी हो चुकी हैं, छोटी छोटी सी कंसेंट्रेशन टर्म्स अभी और रहती हैं, पर अभी एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया हमने, उसका नेक्स्ट ही एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास एवरेज का क्या अर्थ है, ये आपको कब निकालना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनो एक बार। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गैस नहीं, आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। आपके पास एक गैस नहीं है, अब गैसेस का क्या है बेटा जी, पूरा का पूरा मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर अगर मुझे उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोल रहा है, उस पूरे मिक्सचर का, तो उसमें क्या एक गैस है जो मैं उस गैस का मॉलिक्यूलर मास बता दूं? नहीं, मेरे पास कम से कम 2, 3, 4, 5 n नंबर ऑफ गैसेस हो सकती हैं। तो इन दैट केस मेरा टॉपिक आता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज एटॉमिक मास भी ऐसे ही निकलेगा, एटम की बात हो रही होगी तो काफी सारे एटम्स हैं, उनका मास पूछ लिया अगर इसने मॉलिक्यूलर या एटॉमिक, तो एवरेज एटॉमिक मास। अदरवाइज ये सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास कैसे निकालोगे? n1 इंटू m1 प्लस n2 इंटू m2 एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2, वेयर m स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मास। वेयर m स्टैंड्स फॉर बेटा जी मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से सुनो, आप कहो सर ये टोटल मास कैसे हो गया? अरे मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसकी मॉलिक्यूलर मास से उसकी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मास क्या कर दो, कैंसिल, तो वेट नहीं आ गया? तो इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट अपॉन n1 प्लस n2। मैं आपको ये क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। फंडा क्लियर हो गया? एक तो ये फॉर्मूला है, एक ही है, एक और दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, समेशन ऐड होती जा रही है, जितने भी आइटम आप लोगे वो क्या होते चले जाएंगे, वो ऐड होते चले जाएंगे। अगर ऐड होते चले जाएंगे तो मैं क्या लगाऊंगा, समेशन का साइन, बोलो यार। अब एक्स आई इंटू एम आई, ये आई स्टैंड्स फॉर, यहां पे जितने भी गैसेस होंगी उन सब के लिए यहां पे 1, 1, 2, 2 आई की जगह पे जा सकता है। अब आप बोलो कि सर ये कैसे हो गया एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, तो भाई साहब ये क्या है आप लोगों का, मोल फ्रैक्शन। अरे यस और नो यार, अगर ये आपका मोल फ्रैक्शन है तो आप एक बात सुनो, फॉर सपोज आपके पास दो आइटम थे, ये कैपिटल एम क्या है आप लोगों का, मॉलिक्यूलर मास। अब आप एक काम करो, x1 को क्या ओपन करोगे, n1 अपॉन, अरे यस और नो, और इसको क्या ओपन करोगे, n2 अपॉन, सॉरी ये m1 था और ये m2 था, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं नजर आएगा, अगर आप इसको और इसको ऐड कर दो तो ये आप अगर
डिनोमिनेटर देखो तो सेम ही है, कॉमन हो गया एन वन प्लस एन टू, यस और नो यार? तो आपको मैं ये अभी तीनों यूज करवाता हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ, आपको तीनों यूज करवाते हैं, कोई बात ही नहीं है, एक एक करके। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ये जो आपको दिया हुआ है ना, इस पे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। एक बार देखो बेटा जी, ये लास्ट वाले फॉर्मूले पे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं, पहले एक बेसिक आपको सिखाते हैं। ये एक्स क्या है बेटा बताना एक बार, मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। ये मोल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर मास है। ये सबसे सिंपल फंडा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स अगर हम कर देंगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसको एक बार नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। भाई ये मुझे एक दिन का टाइम दे दे पहले, मत कर इसमें से। अपने पास नहीं है आज? मेरे पास भी नहीं है, मेरी बॉटल घर पे रह गई है। कोई नहीं, देखते हैं एक बार, सर से पूछता हूँ, सर दे देंगे एक बार। एक मिनट वेट कर बस थोड़ा सा ना। ये स्कूल वाली रह गई है तेरे पास? सेम हेयर, घर पे फिल करना भूल गए। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो एक बार, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे आपके लिए, आप लोग अटेम्प्ट मानना। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 एंड CO2 गैसेस contains 66% by mass, 66% by mass of CO2, 66% by mass of CO2 full stop, the vapor density of the mixture is। अच्छा एक और फॉर्मूला दूंगा यार मैं अभी आपको, एक काम करो, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दे दिया है तो वेपर डेंसिटी का दे दिया, एक सेकंड, एक काम करते हैं इसको होल्ड करते हैं, दो फॉर्मूले और दे देता हूँ तो आपके क्वेश्चन मिक्सअप होके बन जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। छोड़ो इसे, ये नोट तो नहीं किया था ना अभी, बस बहुत ही बढ़िया। ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हो गया। आपको याद है एक आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, दोबारा बोल दियो, राइट, PV इज इक्वल टू NRT। ये क्लियर है? ये N क्या थे आपके? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला बताना अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये क्लियर है? मैं मास को ऊपर ले जाता हूं मॉलिक्यूलर, और वॉल्यूम को नीचे ले जाता हूं। अरे बोलो यार, यस और नो यार? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज हो जाती है? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया बेटा जी, एक फॉर्मूला प्यारा सा बन गया आपका डर्टी पीएम का। ऑल दो दिल पे मत लेना इसको, ये सिर्फ फॉर्मूला कह रहा है, डर्टी पीएम, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ये डेंसिटी है, ये आर है, ये टेम्परेचर है, प्रेशर है और मॉलिक्यूलर मास है। एक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा आप लोगों को पक्का। अब इसमें ना एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का आगे इस तरीके से कि फॉर सपोज आपको दो गैसेस दे रखी हैं। आपको क्या, कितनी गैसेस दे रखी हैं बेटा? दो गैसेस दे रखी हैं। अगर मेरे को कभी दो गैसेस दी हुई हैं और वहां पे बोल दिया जाए कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, आर क्या होता है? गैस कॉन्स्टेंट। आर क्या होता है बेटा? गैस कांस्टेंट। और टी भी अगर आपका कांस्टेंट कर दिया जाए, ये तो कांस्टेंट है ही, टी आपका मैं बोलूं और पी मैं आपका बोलूं, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर टू गैसेस, फॉर बेटा जी टू गैसेस, एक रिलेशन में बना सकता हूं यहां पे। फॉर सपोज मैं इसको कर दूं P1 M1 इज इक्वल टू D1 RT, और ये मैं कर दूं P2 M2 इक्वल टू D2 RT, डिवाइड अगर मैं कर दूं प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, RT से RT कैंसिल, तो D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ये फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा?
ये कब है पर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा जी मॉलिक्यूलर मास अकॉर्डिंग टू दिस डर्टी पीएम वाला फॉर्मूला, बट एट स्पेशली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसी से मैंने ये बात बना ली है. तो आपको कंडीशन मेंशन होगी इन तीनों में से, इन चारों में से तीन चीज दी होगी और एक निकालनी होगी. कर लोगे ना, बस आपको याद आ जाए ये फॉर्मूला, आपको याद आ जाए. अगर आपको याद नहीं भी आया, थोड़ा सा अगर आपने डिराइव कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एक फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास एवरेज का बताया, एक फॉर्मूला डेंसिटी से रिलेटेड बताया, एक और बता रहा हूं, बस इसको नोट कर लो फटाफट, फिर न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं. एक और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल यही, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है. X स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन. इसको ओपन करके बता दूं दोबारा. फॉर सपोज मेरे पास वन और टू थे, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास एवरेज क्या बनता, चल बता दे अकॉर्डिंग टू दिस क्या बनता, X1 प्लस बोल, X1 बोल, ओपन कर, यस और नो, इनको ऐड कर दे. बन गई बात, यही तो है ये, ठीक है. पर कभी भी मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में निकालना हो ना मेरे को एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो मैं ये थोड़ी कंसीडर करूंगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा. सिंपल छोटू सा फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा. इसलिए बताया, अभी करवा रहा हूं, बस एक फॉर्मूला और दूंगा छोटा सा. ठीक है बेटा जी, हटा दें इसको, करो करो जल्दी करो. ठीक है, दो कहानी हो गई, क्या हो गया बच्चे, अच्छा वो राइट वाला कर लो कोई चक्कर नहीं है, आराम से हटा देंगे, कोई जल्दी नहीं है. एक बार चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तो इस बार ना तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवा दूंगा सारे, ठीक है. पर वो ना ऑनलाइन क्लास रखेंगे, उसकी ऑफलाइन में टाइम का हो नहीं पाएगा सिस्टम सेट, ठीक है. ऑनलाइन क्लास रख के ना कम से कम पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर कर लेंगे. एक क्लास हम लगा लेंगे अपना मेंस के क्वेश्चंस की, और एक क्लास नीट के क्वेश्चन की लगा लेंगे. मेंस एडवांस को एक साथ कर देंगे और नीट को अलग कर देंगे, नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा निकल आएंगे इसीलिए, ठीक है ना. इस बार हर चैप्टर की दो क्लासेस एक्स्ट्रा रखेंगे, पर वो लास्ट में रखेंगे बिल्कुल, ठीक है. और बढ़ते हैं अभी फिलहाल के लिए तो आगे, इसको हटा दें. सुनो भाई, आपने मुझे डेंसिटी क्या चीज बताई, बताना डेंसिटी क्या बताया आप लोगों ने मुझे, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. अगर मुझे कभी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो, क्या निकालनी हो बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ
सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी रिलेटिव आप लोगों को निकालनी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी जिसके रेफरेंस में आप निकाल रहे हो, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। रिलेटिव का मतलब समझ गए ना, इसकी डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में निकालो, इसकी डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में, तो उसी की डेंसिटी से हमने क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो वेपर डेंसिटी की, मैं बोलता हूं आप लोग लिखो। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर्स ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ वेपर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक बार बोर्ड पे देखते हो, थोड़ा सा बस मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं हल्की सी। पहले मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाई, फिर मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाई, आपको समझ में भी आ गई। वेपर डेंसिटी एक प्रकार की रिलेटिव डेंसिटी है। इस रिलेटिव डेंसिटी में हम एक्स वाई जेड कोई भी गैस की डेंसिटी लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं हाइड्रोजन गैस की वेपर्स की डेंसिटी से। ये फंडा क्लियर हो रहा है? एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोस्तों साथियों, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, था कि नहीं था? तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, बहुत काम आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ आपके स्कूल में यहां से क्वेश्चन आएगा और बेहद बेहद वो आसान होगा। बस आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप देखो, डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ गैस यानी के मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, अरे बोलो ना यार, क्योंकि डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल थी तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, अरे सर डिवाइड कर दो किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओहो एच टू से, तो अरे यार वेपर डेंसिटी का छोटा सा फॉर्मूला यार याद कर लो यार, मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू, खत्म। क्या आपको फंडा क्लियर हो गया? वेरी इजी फॉर्मूला, बहुत ज्यादा आसान है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू। अगर आपको वेपर डेंसिटी दी है तो आप उस पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, या अगर आपने उस पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूलर फाइंड आउट कर लिया मास, तो आप उस पर्टिकुलर गैस की क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वेपर डेंसिटी। इज वेरी सिंपल, बोलो यार ये समझ में आता तुम्हें? कंडीशनल है थोड़ा सा, ठीक है ना? एक बार नोट करो, अब देखना बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं, सारे टॉपिक्स को मिक्स कर देते हैं जितने भी करवाए। फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारी चीजें कंप्लीट होती रहें। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 and CO2 gases contains 66% mass of CO2 full stop. The vapor density of the mixture is, the vapor density of the mixture is, इस बार
गैसेस का मिक्सचर है, बस ये बात का ध्यान रखना भाई। करो कैसे करोगे बताओ, आंसर बताता हूँ मैं तुम्हें इतने क्या आ रहा है। Try to solve this. इसको हटा देना। ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री तो नहीं है बाबा आंसर, नो। ऑप्शंस थे वैसे इसके अंदर, पर कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। 23 नहीं आंसर। चलो देखो इधर आओ, एक बार सुनना एक बार ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना फिर। देखो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लग रहा है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि चल मैं फॉर्मूला तो लिख लो यार, कुछ ना सही तो आधा नंबर तो मिले। मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू होती है जी। सर मॉलिक्यूलर मास यहां पे कोई एक गैस तो है नहीं, यहां पे तो मिक्सचर ऑफ गैस है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, यस और नो? अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें, यहां पे तो हमको परसेंटेज दिया हुआ है। देखिए आपको अगर 66% CO2 दिया हुआ है बाय मास, तो क्या आप ये समझते हैं कि 100 ग्राम मिक्सचर में सॉल्यूशन को, मैं यहां पे मिक्सचर बोल देता हूं, 100 ग्राम मिक्सचर में 66 ग्राम CO2 गैस है, यस और नो पहले बताओ। और अगर 66 ग्राम CO2 गैस है तो H2 गैस कितना परसेंट, H2 का कितना परसेंट बचा, 44? अरे बोलो ना यार। अरे अगर 66% परसेंट 100 में से होता है हमेशा, तो 44 बचा ना बाबा। तो 44 के लिए अगर मैं 44% H2 की बात करूं, तो उसका मतलब होगा 100 ग्राम मिक्सचर में 44 ग्राम ऑफ H2 है, यस और नो यार बोलो यार। अब मैं मॉलिक्यूलर मास एवरेज का फॉर्मूला, अगर मैंने, मेरे को याद आया मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, टोटल मास बाय टोटल मोल्स में कर सकता हूं, क्यों? टोटल मास निकालोगे कैसे? 44 प्लस वाई, ओ खिलाड़ी ओए, गिवन मास होता है ऊपर, मॉलिक्यूलर मास क्यों ले रहा है बाबा? अरे टोटल मास यार, मास हमेशा गिवन होगा, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास लिखा होगा। अरे काका 100 ग्राम मिक्सचर था तो सही। अरे यार ऐड करना, इन्हें 100 ही तो है, टोटल मास तो 100 ग्राम ही है, क्योंकि परसेंटेज बाय मास जो दिया हुआ है। तुम समझ नहीं रहे,
अच्छा मैंने 66 और ये कर दिया, अरे बाबा मैथ बहुत स्ट्रांग है हमारा, उस पर मत जाना प्लीज। इधर देखो ये था, ओहो एक ही बात है बस थोड़ा सा चेंज है। अरे टोटल मास तो 100 ही था, अब टोटल मोल्स इसके मोल्स नहीं निकाल लेगा, कैसे निकालेगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 44, ये 1.5 मोल्स आएंगे। और इसके अगर मोल्स मैं बनाऊंगा, मैं तेरे लिए अलग से कर देता हूँ कभी घर पे कंफ्यूज हो जाए, बता मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, है ना? हाँ राइट, ठीक है। और मोल्स ऑफ H2 कैसे बनाएंगे, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? ये आंसर है आप लोगों का, आंसर मैं आपको एकदम बता देता हूँ कितना आ रहा है। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, सबर करो अभी आ जाएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया, लगा ले यार वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, कमाल है तेरी। मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू कर ले, बता कितना आ रहा है, 2 समथिंग आ रहा है, 2.7 आ गया। यस और नो, बन गई बात, क्वेश्चन समझ में आया? एक और देते हैं, करो इसे। ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला यूज करवा दिया, ठीक है ना? और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ना हमेशा न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही यूज होगा, जब आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना होगा या दिया होगा, ठीक है? तो वेपर डेंसिटी कभी दी होगी या पूछी होगी। एक और करवाते हैं, हटा दें बेटा इसको। इसको हटा देते हैं, इतने नया क्वेश्चन लिखता हूं मैं। दो गैसेस दी हुई हैं मुझे, NO2 एंड N2O4। इस 27.6 फुल स्टॉप। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इन द मिक्सचर इज, हटा दें मित्रों पूरा। चलिए करिए, मैं ऑप्शंस भी देता हूँ इसमें, 0.1, 0.2। चलिए टेक 2-3 मिनट्स टू सॉल्व दिस, फिर करते हैं इसको डिस्कस।
आप ये देखिए कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि यूज होगा। इस बार वेपर डेंसिटी आप लोगों को दे रखी है, तो वेपर डेंसिटी से क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, राइट। मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड ही मोल फ्रैक्शन की है, ठीक है, तो आसान बन जाएगा। करो, सिर्फ कैलकुलेशन है, आंसर आओ, आप बताओगे आंसर मुझे। मॉलिक्यूलर मास निकालो दोनों गैसेस के, मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है आपको N2O4 का। कैसे निकलेगा सोचो बालक, यही तो सोचने का पॉइंट है। करें हाँ जी, यस यस, घर से रिवाइज नहीं करता है क्या बालक? अरे एक बात बता, और क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, वन नहीं होता, वन होता ना, एक्स बी को 1 माइनस एक्स से डाल दो, ठीक है तू? हाँ हो गया, चलो आ जाओ इधर देखो रे खिलाड़ियों, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू था, बताओ कितना आ जाएगा, आ गया, ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास आया, एम एवरेज इज इक्वल टू एक्स वन एम वन प्लस, अच्छा एक्स वन नहीं करते अब, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ओ टू प्लस एन टू ओ फोर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन टू ओ फोर, ठीक है बच्चे। अगर मोल फ्रैक्शन मेरे को निकालनी है तो सबसे पहले ये देख लो कि किसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसको क्या डाल दो, एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दो, एक्स डाल लो, इसकी निकालनी है मोल फ्रैक्शन इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 90 कुछ आएगा, देखो कितना आ रहा है, 92 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1 होता है। और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की टर्म्स में तो क्या करूंगा वो बोलो यार, तो 1 माइनस एक्स मोल फ्रैक्शन के नीचे भी डाल देते हैं हम N2O4, और 1 माइनस एक्स इसके आगे भी क्या डाल देते हैं N2O4 का है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं NO2 का, बताओ 14 प्लस 32 कितना हो गया,
46, बोलो यार यस और नो, इक्वल टू, अब आपका यहां नहीं जाएगा, नहीं थोड़ी सी गलती होगी बच्चे सॉल्व करने में, 46 माइनस 46x प्लस 92x इक्वल टू 55.2, 0.5 आ गया, पक्का देख ले आंसर, पता क्या आ रहा है इसी को सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं, आंसर ही है ये पक्का, कर लो चाहे कर लोगे घर पे एक बार ट्राई है सॉल्व, समझ में तो आ गया कि क्या फंडा लगना था, एक और फार्मूला मैंने आपको यूज करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एनसीईआरटी का हो जाए यार इसी बात पे ना, एनसीईआरटी कह रही है कि हमें तुम हल्का मत समझो, देखो पेपर में हम ही आते हैं और करो तुम इधर उधर से तो फिर वो भी बात खराब होती है। चलो जी एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, बोले बेटा ये सिर्फ मैं ही आपको दिखा दूंगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इसकी बड़ी रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। क्वेश्चन लिखें एक बार, नोट कर लिया आपने ये, फिर मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग डालो आप, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, मुझे दो आइसोटोप दे रखे हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा जी, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया 35 और क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया 37, दो आइसोटोप्स हैं, वो कहता है कि इसका 75.77% पड़ा हुआ है और बचे हुए का 100 में से अगर माइनस करोगे तो 24.23% ही पड़ा हुआ है, और आपको कहता है कि इनके मोलर मासेस जो हैं 34.968 है एक का और अगला है 36.965, आपको क्या निकालना है बेटा जी, एवरेज एटॉमिक मास, मैं ही करवा देता हूं आपको, आप बस एक बार देख लो ऊपर देख लो, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है जी, आप ये देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले तो मेरे को परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है, इसका मतलब मुझे परसेंटेज गिवन है कि कितनी परसेंट दे रखी है, ठीक है ना, आपको अभी भी इसी फॉर्मूले से ये इजी पड़ेगा, कैसे इजी पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता है कि 100 में से अगर ये 75.77 है, सोच के देखो 100 में से ही होगा ना यार परसेंटेज, तो एक में से कितना होगा, 1 में से 0.75 नहीं होगा यार, अरे 0.7577, अरे 100 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अगर ये 100 में से इतना है तो एक में से इतना होगा, डिवाइड बाय 100 कर दिया हमने, आ गई बात समझ में, और एक में से है ये और ये भी एक में से इतना है बचा हुआ, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, अभी करता हूँ, एक काम करो सबसे पहले तो इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस ये भी एक में से हो जाएगा तो ये दोनों मिला के मोल फ्रैक्शन ही तो हो जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ही बड़ा है इसमें, 10 की पावर कॉमन लेके कुछ कहा नहीं कर सकते हो, आपको करनी है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, 35.452, तो आपको पता है क्या क्लियर हो रहा है,
कि इन दोनों का एवरेज ही होगा जो बीच में आ रहा है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया ना, फॉर्मूला तो मेरे को लगाना ही है, मैं ये देख रहा हूँ कौन सा इजी लगा लूँगा। इसमें क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन, मेरे को क्या दी हुई है परसेंटेज, परसेंटेज होती है 100 में से, अरे 100 में से ये इतना है, एक में से कितना होगा डिवाइड बाय 100। अगर ये 100 में से 0.75 है, सॉरी एक में से 0.75 है, तो ये एक में से कितना होगा 0.24 नहीं होगा, अरे ये भी तो 100 में से ही है ना बचे हुए में से, तो एक में से ये कितना होगा 0.24। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ही तो बन गई, तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.75, इसका मोल फ्रैक्शन 0.24। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है यार, देख लो ठीक है, और एक नंबर के आने के चांसेस बहुत हाई हैं। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है, पर हमने बेसिक के अलावा भी दो चार बातें और कर ली हैं, ठीक है। एक और करना चाह रहे हो शानदार सा क्वेश्चन, तो आपको मैं करवा देता हूँ, या फिर तुम उसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं सोच रहा था आपको एक कहानी और करवा दूं। एक कंसेंट्रेशन टर्म रह गई है हमारी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, चलो करवा ही देते हैं फिर, इसका क्वेश्चन आपको घर से करने को देंगे नेक्स्ट, क्योंकि सेम ही फॉर्मूले पे सारी कहानी हमने कर ली है, दोबारा से एक बार और, था तो मज़ेदार क्वेश्चन, पर चलो कोई नहीं, अब आप घर पे करना उसको। देखो बेटा, एक कंसेंट्रेशन टर्म और है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट में क्या बुलाते हैं, पीपीएम। क्या बुलाएंगे बेटा जी, पीपीएम। ये पता है कैसे बनेगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में टोटल मास, मल्टीप्लाई कर देना 10^6 से। मैं आपको ये कह रहा हूं पीपीएम, आप नाम बताओ पीपीएम क्या सजेस्ट करता है, पार्ट्स पर मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, एक मिलियन में 10 लाख में जीरो कितनी होंगी, 6 जीरो हो जाएंगी। आपको याद है आपने परसेंटेज बाय मास किया था, परसेंटेज बाय मास की तरह ही है ये, पार्ट्स पर मिलियन भी बाय मास में ही होता है, जैसे परसेंटेज बाय मास था ना, ये भी वैसा ही है। परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन में बेटा मल्टीप्लाई किससे करते थे, बस इसमें हम मल्टीप्लाई 10^6 से कर देंगे, क्योंकि हम पर मिलियन पार्ट में देख रहे हैं, परसेंटेज हम 100 में से ही देखते हैं खाली, इसीलिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अगर मैं मिलियन में देखूंगा तो मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 10^6 से। हाँ बोल सकते हैं, एग्जैक्टली पीपीएम को आप मास परसेंट इंटू 10^4 भी बोल सकते हो। कैसे कैसे कैसे, अगर आपने इसको, अगर आपने इसको 10^2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओ माई गॉड, तो ये क्या बन गया, यही नहीं बन गया ये, अरे बोलो ना यार, एक ही बात है, टेंशन ही ना ले, और बताता हूं। और एक पॉइंट आपको याद हो गया, फॉर्मूला आपको याद हो गया सभी को, ठीक है, इससे इससे ही रिलेट करते हैं, सेम ही तो है ना लगभग, एक ही तो चेंज है यार, ओ बोलो ना यार, इससे रिलेट करते हैं। अगर आपको कभी दिया होता 15% बाय मास, इसका क्या मतलब होता बताना, इसका क्या मतलब होता, 15 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस जो भी है, 15% बाय मास, 15 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यार हो यार, ये बात समझ के नहीं आ रही, बोलो यार पक्का। अब आपको दिया 15 ppm, आजा बेटा क्या मतलब है, क्या मतलब
15 पार्ट्स इन 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखिए पीपीएम कब यूज किया गया, पीपीएम तब यूज किया गया जब बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल था, जैसे कि पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन हवा में होता है और हमको नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, यानी कि उसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो मैं उसके पार्टिकल को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सोच ना यार उसका खुद का मास तो बहुत ही ज्यादा कम होगा ना यार, और डिवाइड बाय तू टोटल मास कर दे रहा है, तो 0.0000 कुछ वैल्यू आई, इससे बढ़िया है 10 की पावर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दे उसको, तो तेरे को थोड़ी सी दिखने लायक वैल्यू तो बनेगी। यस और नो यार? अरे फंडा समझ में आ गया कि इसको यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्वेश्चन बोलते हैं आप लोग कीजिए, पीपीएम का भी दुविधा सॉल्व हो जाएगी अभी की अभी। क्वेश्चन बोल दूं बेटा, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी, आप लोग भी लिख लेना अगर कोई बाद में देखता है ये क्लास तो, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.17 है, 1.17 एनसीईआरटी का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोग तो यार लिख लो, है ना। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म कॉमा, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चे, याद रखियो अब, CHCl3 कॉमा सपोज्ड टू बी कार्सिनोजन, सपोज्ड टू बी कार्सिनोजन फुल स्टॉप, द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm, 15 ppm गिवन है बाय मास, कितना कंटेमिनेशन का लेवल है भाई, 15 ppm बाय मास फुल स्टॉप। इसमें पहला पार्ट है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, इसको परसेंट बाय मास में एक्सप्रेस करने का है। सेकंड, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं, बोलो? चलो आ जाओ, सुनो मेरी बात, मैं ही करवा रहा हूँ ये, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है वो हमारे पास कम है, तो मैं ही डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको टाइम देता करने को। बोलो बेटा जी, देखो जी 15 ppm गिवन का मतलब बता दो, बस यही खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, 15 पार्ट्स इन 10 की पावर 6 पार्ट सॉल्यूशन, यस और नो यार? तो परसेंटेज बाय मास कैसे निकालोगे? 15 पार्ट्स हैं क्लोरोफॉर्म के, टोटल ये हो गया, और परसेंटेज परसेंटेज बाय मास गिवन अपॉन टोटल इनटू 100, इनटू कर दे बेटा 100, आ जा बेटा, कर दे, क्या दिक्कत है, वो पुराने वाला जो हमने वहां पे फॉर्मूला यूज किया था आप उससे कर दो 10 की पावर 4 से डिवाइड। बट पता है क्या है, सिंपल, मेरे को तो ऐसे ज्यादा सिंपल लग रहा है कि यार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको एक बार ओपन कर लिया तो मुझे पता है गिवन अपॉन टोटल हो गया, इनटू 100 कर दूंगा यार। बोलो यस और नो? ये परसेंटेज बाय मास आ गया, आप कैसे भी कर लो, उस फॉर्मूले में लगा लो यार, कोई बात ही नहीं है। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? इजी ना? अब अगला पार्ट थोड़ा बढ़िया था, सुनो आप ध्यान से, आपको क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, मोलैलिटी। एक बार आपको ना सुनना पड़ेगा, थोड़ी सी जल्दी है पर प्लीज सुनो ध्यान से। देखो ये परसेंटेज क्या दिया हो बेटा, बाय मास। अब इसका क्या मतलब सिखाया था, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यस और नो? आप मुझे एक बात बताना, ये वैसे अगर मैं ग्राम में चेक करूं तो 0.015 नहीं हो गया? अगर आप यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो,
सोलवेंट, क्योंकि मोलालिटी किस में होती है? सोलवेंट में होती है। 1000 kg सोलवेंट में होती है कि नहीं होती? होती है। अगर मैं सोलवेंट बनाना चाहूं तो अप्रोक्सीमेटली सोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सोलवेंट नहीं हो रहा यार, एक बात बताना यार। अरे यार माइनस करके क्या करोगे यार, 0.015 भाई, क्यों कैलकुलेशन टफ करनी है? बोल दो यार, हमें पता है यार, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में ओहो 15 × 10⁻⁴ ग्राम क्या है यार, क्लोरोफॉर्म। अरे यस और नो? तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 1000? अच्छा सॉल्यूशन की जगह आप क्या लिख दो, कहो 100 ग्राम सॉल्वेंट में इतना है, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना होगा, क्या करोगे, 100 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया मित्रों? ये ग्राम में आ रहा है आंसर, किस में आ रहा है, ये क्लोरोफॉर्म का ग्राम में आंसर आ गया, 15 × 10⁻³ ग्राम क्या, क्लोरोफॉर्म। बोलो यार, ओहो वही तो समझाया नहीं, अरे अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, तू कैलकुलेटर से करके देख लियो। अरे एक बात, 100 में से 0.015 कम कर रहा है यार, निगलेक्ट, समझे कि नहीं समझे भाई? अरे बाबा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन ना, सॉल्यूट इतना कम है ना यार, सॉल्यूशन निगलेक्ट सॉल्वेंट इक्वल टू दिस, समझ गए ना? अब देखो यार, अरे ग्राम आया, अभी मेरे दिल को चैन मिला क्या? नहीं मिला, क्यों? क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करनी थी, मोलालिटी, और मैंने मास फाइंड आउट किया है, पर केजी फाइंड आउट किया है। अब अगर आप इसी मास के मोल्स बना लो, क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा CHCl3 का, बताओ कितना हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास? ये हो गया आपका 119.5 समथिंग शायद होगा, तो इसको 119.5 से अगर मैं क्या कर दूं बेटा, डिवाइड, तो ये क्या आ जाएंगे अब मोल्स, और मोल्स पर के जी आए हुए हैं ऑफ सॉल्वेंट, तो यही क्या हो जाएगी, मोलालिटी। अरे लास्ट बात सुनी है क्या, अगर मोल्स पर के जी सॉल्वेंट आए हुए हैं तो वही क्या हो गई, ओहो मोलालिटी का आंसर आ गया भाई, सीधा सीधा आंसर आ चुका है, 1.26 × 10⁻⁴ मोल्स। इसी के साथ आज की कार्यक्रम को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।